खबरों की ओर बड़ी जानकारी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कल से विधानसभा का सत्र 3 दिन चलेगा। प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। डीएपी की किल्लत पर भी टकराव देखने को मिलेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बताते चले कि कल से विधानसभा का सत्र 3 दिन तक चलेगा। तो वहीं प्रश्नकाल और शून्यकाल इस बार सत्र में नहीं होगा। डीएपी की किल्लत पर भी टकराव देखने को मिलेगा। शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल से विधानसभा का सत्र 3 दिन तक चलेगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है सत्र को लेकर, क्योंकि कल हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिवसीय शुरू होने जा रहा है। देखिए गया 13, 14 और 18 तारीख के 3 दिन चलेगा सत्र। खास बात यह कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, उस सरकार का तीसरी बार सरकार बनने का पहला शीतकालीन सत्र है। 13 से शुरू होगा, 13, 14 और उसके बाद ब्रेक है, फिर 18 तारीख होगा। हालांकि अभी तक भूपेंद्र हुड्डा को जो उम्मीद थी कि सीएलपी का लीडर बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो सका है। और उसके बाद अगर, चूंकि आज 12 तारीख हो गई है, 13 तारीख कल से सत्र शुरू हो रहा है, और अगर नेता प्रतिपक्ष का फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं करती तो सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि भूपेंद्र हुड्डा, चूंकि बड़े नेता है, 2 बार सीएम रह चुके हैं, वो सीएलपी लीडर रहे हैं, इस आधार पर विपक्ष के नेता की जो कुर्सी होगी सरकार उनकी वो बिठाएगी उस कुर्सी पर, कि विपक्ष को भी हम साथ लेकर चलेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में 20 साल में पहली दफा ऐसा है कि सीएलपी लीडर चुनने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया और अभी तक नहीं चुना गया। पार्टी के आपसे खींचतान या हाईकमान का फैसला भी आना है, तो मेरे को नहीं लगता कि आज भी कोई फैसला हो सकता है कि किसको सीएलपी लीडर बनाया जाएगा। 3 नाम चल रहे थे, अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन बिश्नोई जो शैलजा गुट से है, और अशोक अरोड़ा भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाते तो फिलहाल कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया है। मुद्दों की जहां तक बात है, मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे को लीक है, जैसे धान मंडियों में पड़ी है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरी कीमत जो मुख्यमंत्री ने कहा था 3100 रुपए से कम धान नहीं खरीदी जाएगी, लेकिन कम कीमत पर किसानों को बेचनी पड़ रही है, क्योंकि कई बार मंडियों में दिक्कत है, वहां जगह नहीं है, धान में थोड़ा कमी होती है। और दूसरा कई बार ये भी होता है कि उस भाव पे बिकता नहीं जो सरकार कह रही है, तो किसान घर जाना चाहता है, मंडी में पड़ा रहता है, उसको पीछे घर खेत भी संभालना है, तो कम कीमत पर धान बेचने को किसान मजबूर है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। उसके अलावा खाद नहीं मिली, डीएपी खाद जरूरी होती है, क्योंकि उससे उर्वरा शक्ति बनती है जमीन की, खाद डालना जरूरी होता है। डीएपी खाद को लेकर भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें सब्सिडी होती है, सरकार देती है, लेकिन उसकी उपलब्धता कम है, तो डीएपी खाद को लेकर मसला उठेगा। एमएसपी का है, और दूसरा किसानों की और जो मांगे हैं, किसानों का मुद्दा मेरे को लगता है प्रतिपक्ष जरूर उठाएगा। और उसके अलावा युवाओं वाला, जो महिलाओं के लिए संकल्प पत्र में था कि 2100 रुपए महीना बीजेपी हर 18 से 60 साल की उम्र की महिला को देगी, चुनावी वायदा था, तो उस पर भी सरकार को थोड़ा सा जवाब मांगा जाएगा कि ये लाभ कब से मिलने लगेगा। युवाओं को 2 लाख नौकरी देने की बात थी, इस तरह के मुद्दे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है कि सरकार अपना एक अच्छा चेहरा पेश करेगी जन कल्याण के लिए। और दूसरी बात यह कि राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, राज्यपाल अभिभाषण के जरिए सरकार क्या क्या काम जनहित के कर रही है, इसका एक खाका खींचेंगे, तस्वीर पेश करेंगे, उस पर फिर विधानसभा में चर्चा होनी है। तो 3 दिन का सेशन है, तैयारियां पूरी आज कर ली जाएंगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष सामने नहीं है, तो भूपेंद्र हुड्डा को ये जिम्मेदारी दी जाएगी सदन की तरफ से कि आप विपक्ष की आवाज बने, विपक्ष की भूमिका आप निभाएं। तो लिहाजा आज ये 12 तारीख है और प्रतिपक्ष के नेता का फैसला होना नहीं है अभी तक, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो पहली दफा नेता प्रतिपक्ष के बिना सेशन शुरू होगा, ये भी एक अलग तरह की स्थिति है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तेरह, चौदह और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम
राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। 3 दिन का अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे, अभी 3 दिन का है।